जैसे आप सभी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो एसपीओस भाई और बहनें तैनात हैं उनके लिए पिछले 6-7 साल से एक संघर्ष कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि जिसमें मैं प्रधानमंत्री तक 2 बार पहुँचा था, हमने सिंपल डिमांड की थी कि इनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए और बार बार अप्रोच करने के बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकारें रही हो या गवर्नर इंतजामिया रही हो या हमारा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, तो उन्होंने हमेशा ही इस पीओस के रवैया मुतलिक एक सोतीली माँ जैसे सलूक जारी रखा। तो उसके बाद हम मजबूर हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, और अब हमारी जो रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में 170, जिसमें हमने ये डिमांड किया है कि जितने भी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश लद्दाख में जितने भी एसपीओज हैं उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल के बराबर उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाए, तमाम सहूलियात दी जाए, क्योंकि वह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बराबर कांस्टेबल की तरह। और साथ में हमने मैं दिल्ली जाके दिल्ली हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने अपील की कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एसपीओज डिसंगेज हुए हैं उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए, क्योंकि 10-10, 15-15 साल उन्होंने डिपार्टमेंट में दिए, अब वो उनको डिसंगेज कर दिया गया है। हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर उनको रीएंगेज किया जाए।